बंबई से सूरत जाते हैं और सूरत से गुवाहाटी जाते हैं। ये भंडखोर और विरोधी कह रहे हैं कि सेना उबर नहीं पाएगी आपकी प्रार्थनाओं से, पूरी महाराष्ट्र की जनताओं की प्रार्थनाओं से, हम सब मुसलमानों की दुआओं से, गुलाब की महक की तरह देखना पूरी नौसेना पूरी महाराष्ट्र में एक नंबर पे आएगी। जर्रों में रह गुजर कर ये शिवसैनिक चमक छोड़ जाएगा, पहचान अपनी दूर तलक मैं छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारानी शिवसैनिक को शीशा हूँ, टूट कर बिखनक छोड़ जाऊंगा। जय हिंद जय महाराष्ट्र। वो कहते हैं कि मेरा वजूद मिटा देंगे, वो कहते हैं कि तेरा वजूद मिटा देंगे, अरे वजूद उसका मिटता है जिसका वजूद नहीं रहता है। उसी के ऊपर मैं आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू करना चाहता हूं। जैसे कि हमारे उदय साहब ठाकरे ने 2.5 साल महाराष्ट्र के अंदर हुकूमत का आगाज किया, उसके बाद में कुछ पल के आस्ते कुछ बंडखोरों ने उनसे दुरिया लगाई। मैं व्हाट्सएप पर एक चीज देखता था कि 40 बंडखोर जब उद्देश्य साहब से अलग हो गए तो उनका एक ही नारा था, हम चले हैं हिंदुओं को जगाने। मैं जो बात करने जा रहा हूं साहब, जरा उसे गौर से सुनना। मैं एक हिंदू की बात नहीं करता, ना मुसलमान की बात करता हूं, मैं भारत का नागरिक हूं, भारत के संविधान की बात करता हूं। तो आपके सामने जो 40 आमदार उदय साहब से अलग हो गए, जब उदय साहब को मालूम पड़ा कि आपने हमें क्यों छोड़ा है, तो उन्होंने कहा कि हम हिंदू जागरण साठी या हिंदू को जगाने के लिए हम तुमसे अलग हुए हैं। उदय साहब ने कहा कि आप वापस आ जाइए, हम आपको मंत्री पद का मौका देते हैं, मगर वो नहीं माने, वो बंबई से गुवाहाटी जाते हैं, वो बंबई से गुवाहाटी जाते हैं, वो बंबई से सूरत जाते हैं और सूरत से गुवाहाटी आते हैं, गुवाहाटी में बाढ़ आती है। मेरे हिंदू भाइयों, मेरी बात को जरा तकसीम से सुनना और गौर से सुनना, उस पर जरा तवज्जो देना। बंबई से सूरत जाते हैं और सूरत से गुवाहाटी जाते हैं, गुवाहाटी में बाढ़ आती है, गुवाहाटी में बाढ़ आती है। उनका नारा है कि हमारा जागरण है हिंदुओं को जगाना। अरे वहां तो कई हिंदू भी बह रहे थे, कहीं मुसलमान भी बह रहे थे, कोई मातम बना रहा था, कोई गम बना रहा था, कोई शौद बना रहा था, और ये 40 माशाहे जश्न और पार्टी बना रहे थे। मैं एक सच कह रहा हूं, एक कड़वा है लगर सच कह रहा हूं, क्योंकि उसके ऊपर ही एक शेर कहना चाहता हूं कि सबकी मेहनतों से ही मेहनत रंग लाएंगी, सबकी मेहनतों से ही मेहनत रंग लाएंगी। ये बंडखोर विरोधी कह रहे हैं कि सेना उबर नहीं पाएगी, ये बंडखोर और विरोधी कह रहे हैं कि सेना उबर नहीं पाएगी आपकी प्रार्थनाओं से, पूरी महाराष्ट्र की जनताओं की प्रार्थनाओं से, आपकी प्रार्थनाओं से, हम सब मुसलमानों की दुआओं से, गुलाब की महक की तरह देखना पूरी नौसेना पूरी महाराष्ट्र में एक नंबर पे आएंगी। गुलाब की महक की तरह शिवसेना पूरे महाराष्ट्र में एक नंबर पे आएंगी। जैसे कि हम एक घर को बनाते हैं, हम उस घर को सजाते हैं, जब वो घर मुकम्मल हो जाता है, रहने के लायक हो जाता है, तो उसमें हम हर चीज का सामान लाते हैं। जब बाजार जाते हैं तो एक आईना लाते हैं, बड़े ही एहतराम से, बड़े ही उसको खिदमत से, बड़े ही इत्मीनान से वो आईने को अपने घर में लाते हैं।
मेरी माओ बहनों उसमें श्रृंगार करती है, मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवान साथियों उसके अंदर जुल्फ सवारते हैं। अगर उसके अंदर एक दाग आ जाए, अगर उसमें कोई एक दरार आ जाए तो मेरी माँ बहन उसमें श्रृंगार करना पसंद नहीं करती है, मेरा भाई उसमें जुल्फ सवारना पसंद नहीं करता है। जब उसमें दाग आ जाता है तो उसकी जगह कहाँ होती है, जब उसमें एक दाग आ जाता है उसमें एक दरार हो जाती है तो आईने को हम क्या करते हैं, एक तो कूड़े में डाल देते हैं या नाली में डाल देते हैं, क्योंकि दरार वाला आईना हम नहीं रख में रखते हैं। अब ये 40 आमदार उसके अंदर मैं एक शेर आपके सामने पेश करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं कि जर्रों में रह गुजर कर चमक छोड़ जाऊंगा, के जर्रों में रह गुजर कर ये शिवसैनिक चमक छोड़ जाएगा, पहचान अपनी दूर तलक मैं छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारानी शिवसैनिक को शीशा हूं कन टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। जय हिंद जय महाराष्ट्र।